हनुमान जी की पूजा सबसे जल्दी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली मानी गई है। हम सबको पता है कि हनुमान जी को अमरता का वरदान माता सीता जी ने दिया था, इसलिए कलयुग में मनोकामना पूर्ति के लिए वीर हनुमान जी को ही याद किया जाता है। शनिवार के दिन हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए विशेष उपाय करें तो कुछ ही समय में किस्मत चमक सकती है। ये खास उपाय आपकी हर मनोकामना पूरी कर सकते हैं और सभी कष्टों का निवारण कर सकते हैं। एक, शनिवार के दिन राम मंदिर में जाएं। हनुमान जी के मस्तक का सिंदूर दाहिने हाथ के अंगूठे से लेकर सीता माता के श्री रूप के श्री चरणों में लगा दें। मनोकामना पूरी करने के लिए प्रार्थना करें। दो, शनिवार की सुबह स्नान करने के बाद बड़ के पेड़ का एक पत्ता तोड़ें और इसे साफ पानी से धो लें। अब इस पत्ते को कुछ देर हनुमान जी के सामने रखें। इसके बाद इस पर केसर से श्री राम लिखें। अब इस पत्ते को अपने पर्स में रख लें। साल भर आपका पर्स पैसों से भरा रहेगा। तीन, हनुमान जी की कृपा पाने के लिए शनिवार के दिन व्रत करके शाम के समय बूंदी का प्रसाद बांटने से भी पैसों की तंगी दूर हो जाती है। चार, शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाएं। उनके कंधों पर से सिंदूर लाकर अपने कलेजे पर लगाएं। नजर का प्रभाव समाप्त होगा और समृद्धि के द्वार खुलेंगे। पाँच, शनिवार को शाम के समय हनुमान जी को केवड़े का इत्र व गुलाब की माला चढ़ाएं। हनुमान जी को खुश करने का ये सबसे सरल उपाय है। छह, जीवन की समस्त समस्याओं के निवारण के लिए शनिवार की शाम हनुमान जी के मंदिर में जाएं और रामरक्षा स्त्रोत का पाठ करें। सात, शनिवार की शाम को हनुमान मंदिर में जाएं। एक सरसों के तेल का और एक शुद्ध घी का दीपक जलाएं। वहीं बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान जी की कृपा पाने का ये एक अचूक उपाय है। आठ, शनिवार के दिन हनुमान जी के पैरों में फिटकरी रखें, फिर जिन्हें बुरे सपने आते हों वे अपने सिरहाने इस फिटकरी को रखें, बुरे सपने नहीं आएंगे। नौ, यदि कोई व्यक्ति पैसों की तंगी का सामना कर रहा है तो उसे प्रति मंगलवार और शनिवार को पीपल के 11 पत्तों का यह उपाय अपनाना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठें, इसके बाद नित्य कर्मों से निवृत्त होकर किसी पीपल के पेड़ से 11 पत्ते तोड़ लें। ध्यान रखें, पत्ते पूरे होने चाहिए, कहीं से टूटे या खंडित नहीं होने चाहिए। इन 11 पत्तों पर स्वच्छ जल में कुमकुम या अष्टगंध या चंदन मिलाकर इसे श्री राम का नाम लिखें। नाम लिखते समय हनुमान चालीसा का पाठ करें। जब सभी पत्तों पर श्री राम नाम लिख लें, उसके बाद राम नाम लिखे हुए इन पत्तों की एक माला बनाएं। इस माला को किसी भी हनुमान जी के मंदिर जाकर वहां बजरंग बली को अर्पित करें। इस प्रकार यह उपाय करते रहें, कुछ समय में सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। आशा है आज का वीडियो आप सबको बहुत पसंद आया होगा। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल से जुड़े लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।